जिला कलेक्टर नागौर दिनेश कुमार यादव के निर्देश अनुसार आगामी 2020 में पंचायती राज संस्थान के आम चुनाव हो रहे हैं, जिसमें गुरुवार को कुचामन पंचायत समिति के 33 ग्राम पंचायतों के सरपंच पद व वार्ड पंच के आरक्षण लॉटरी उपखंड अधिकारी द्वारा कार्यालय उपखंड में निकाली गई। पंचायतों के आम चुनाव पूरे प्रदेश भर में हो रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि कुचामन पंचायत समिति क्षेत्र में पूर्व में 31 ग्राम पंचायतें थी। इसी चुनाव में अब पंचायतों का पुनर्गठन के बाद दो नई पंचायत चांदपुरा और जसराना और जुड़ गई, जिसके बाद कुल 33 ग्राम पंचायतें कुचामन पंचायत समिति के अंतर्गत है। क्षेत्र कुचामन सिटी के 33 ग्राम पंचायतों में से अनुसूचित जाति के लिए 8, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 7 पदों के लॉटरी निकाली गई है। अनुसूचित जाति के 8 पदों में से 4 पदों पर महिलाओं के लिए और OBC में 7 में से 3 पदों पर महिलाओं के लिए लॉटरी निकाली गई। साथ ही जनरल की जो शेष महिलाएँ हैं उनके लिए 16 पदों के हिसाब से लॉटरी निकाली। पिछली बार की लॉटरी से इस बार की लॉटरी में लॉटरी का आरक्षण 2011 के हिसाब से जनसंख्या के हिसाब से होता है, आवंटन चक्रानुसार किया जाता है, उसी हिसाब से फॉलो किया गया। अब चुनाव वालों के वो अधिसूचना निर्वाचन की अधिसूचना होने के पश्चात ही दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। अभी मतदाता सूचियों के जो फॉर्म प्राप्त हुए नाम जुड़ाने के विलोपन के उनका निस्तारण के लिए हमें 20 दिसंबर तक की समयावधि दी गई।